हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग दो का पाठ दो सपनों के से दिन जिसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह उन्होंने अपने उन दिनों को हमारे साथ साझा किया है जो दिन उन्हें कैसा लग रहा है सपनों की तरह बच्चों कौन सा दिन हमें सपनों की तरह लगता है तो हमारा बचपन जो बीत जाता है वह हमें कैसा लगता है सपनों की तरह बचपन में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती हमें न पढ़ने की न खाने की न खेलने की बस सारा दिन हम क्या करते रहते हैं मस्ती करते हैं सिर्फ खेलते ही हैं कहानी के फर्स्ट पार्ट में लेखक ने हमें बताया कि जब वह छोटे थे तब उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती वह सो के उठते और अपने दोस्तों के साथ फटे पुराने कपड़े पहन करके खेलने चले जाते थे और जब घर लौटते तो उनकी बहन या माँ उन्हें बहुत पीटती थी उनके जितने भी दोस्त थे सभी खूब पिटाई खाते थे और लेखक यह भी कहते हैं कि कुछ के पिता काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के थे जैसे ही वह उसे पाते बहुत पीटते थे दया भी नहीं आती और कहते हैं उनके किसी भी दोस्त को पढ़ाई में रुचि नहीं थी तो बच्चों वो पल ऐसा ही होता है हमें पढ़ाई से ज़्यादा खेलना कूदना पसंद होता है हम कितने भी पिट जाएं फिर भी खेलना कूदना नहीं छोड़ते तो लेखक भी यही कह रहे हैं कि हमें कितना भी पिटाई लग जाता था हम क्या करते फिर अगले दिन वैसे ही खेलने कूदने चले जाते थे और खूब मस्ती करते चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे कहानी में लेखक ने क्या बताया है लेखक कहते हैं बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है यह शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे परंतु आज तक याद है तो बच्चों लेखक क्या कह रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें घास अधिक हरी लगती है और फूलों की सुगंध तो इतनी मनमोहक लगती है कि मन करता है उसे तोड़ के अपने पास रख लें याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा यह सब किसके अनुकूल था तो हम जब छोटे होते हैं हमारी भावनाओं के अनुकूल कि हम किस प्रकार उसे देखते हैं हम उसे देख करके के कैसा महसूस करते हैं लेखक कहते हैं परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्तों के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से काटे छटे झाड़ उगे थे जिन्हें हम डियाँ कहा करते थे उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मुन कर महसूस कर सकता हूँ उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे जिनमें गुलाब गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती ये कलियाँ इतनी सुंदर और खूबसूरत होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूं कर फिर क्या किया करते शायद जेब में डाल लेते माँ उसे धोने के समय फेंक देती या फिर हम ही बकरी के मेमनों की तरह चढ़ जाया करते थे बकरी के बच्चों को कहते हैं मेमना ठीक है बच्चों और चढ़ जाना यानी खा जाना तो बच्चों यहाँ लेखक अपने उन दिनों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं जब वह पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे वह कहते हैं कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमें स्कूल के क्यारियों में जो सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे वह बहुत ही सुंदर लगते थे और कभी कभी हम क्या करते थे चंदू चपरासी से आंख बचा करके उसे तोड़ लिया करते थे तो बच्चों लेखक को अभी तक अपने स्कूल के उस चपरासी का नाम भी याद है हमारे स्कूल में भी चपरासी हुआ करते हैं जो क्या करते हैं सभी चीज़ों की देख करते हैं और साथ ही बताते हैं कि कभी कभी वह उसकी आंख बचा करके फूल तोड़ लिया करते थे और उसके बाद उस फूल का क्या करते थे उन्हें याद नहीं शायद पॉकेट में रख लेते थे या बकरी की मेमने की तरह चढ़ जाया करते थे यानी खा लेते थे जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सियाने होने का एहसास होता और इससे वो उत्साहित हो जाते लेखक कहते हैं कि जब वह अगली श्रेणी यानी अगली कक्षा में जाते तो कैसा महसूस करते थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो बड़े हो गए बच्चों ऐसा तो हमारे साथ भी होता है अभी आप लोग टेंथ क्लास में हो जब आप टेंथ से अलेवेंथ में जाओगे तो एक अलग ही एहसास होगा उसके बाद कहते हैं कि दूसरी ओर उन्हें पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बात आती और उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते थे जो पिछली श्रेणी में उन्हें पढ़ा चुके थे यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन शिक्षकों से उन्हें डर लगता था जो पनिशमेंट दिया करते थे तब स्कूल में शुरू साल में एक डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती फिर डेढ़ दो महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था पहले दो तीन सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती बहुत प्यार करती तो बच्चों अब हमें स्कूल के उन दिनों के बारे में बता रहे हैं लेखक जब शुरुआत में जब स्कूल खुलता है तो डेढ़ दो महीने पढ़ाई होती है उसके बाद गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाती है और गर्मी की छुट्टियों में कुछ सप्ताह तो हम सभी मस्ती करते हैं लेकिन उसके बाद हमें गर्मी की छुट्टी में जो कार्य दिया जाता है उसे भी करना होता है तो कहते हैं कि दो तीन सप्ताह तो हम खूब मस्ती किया करते थे और वो बातें उनको इसलिए याद हैं क्योंकि हर साल छुट्टी में वो अपनी माँ के साथ ननिहाल जाया करते थे जहाँ नानी उनकी बहुत खातिरदारी करती उन्हें खूब दही मक्खन दूध ये सब खिलाती और प्यार करती छोटा सा पिछड़ा गांव था कैसा गांव था नानी का छोटा सा गांव था पिछड़ा कहने का अर्थ है बच्चों उस गांव में सुविधाओं का अभाव था ठीक है गांव बहुत ही छोटा था परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था तालाब उतना ही बड़ा था जितना लेखक जहाँ रहते थे वहाँ का तालाब था दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती अब देखिए बच्चों नानी तो होती ही प्यारी हैं और वो हम सबको भी बहुत प्यार करती हैं तो लेखक कहते हैं कि नानी बहुत प्यार करती थी हमसे जब भी हम उनके यहाँ जाते तो अपने मनपसंद के बहुत सारे पकवान खाया करते थे और नानी को उनका बोलना खाना पीना सभी पसंद आता अब गांव में अगर आप कभी गए होंगे ननिहाल तो देखा होगा कि गांव के बच्चे जो हैं वह शहर के बच्चों की तुलना में भोजन अधिक मात्रा में लेते हैं और शहर के बच्चे जो हैं वह भोजन कम मात्रा में लेते हैं तो इसीलिए नानी को ये सब अच्छा लगता था और नानी चाहती थी कि उनके जो पोते हैं वह भी उन्हीं की तरह बोले उन्हीं की तरह कम खाए पिए है ना और अच्छे से रहे जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते अब भाई अगर ननिहाल ना गए गर्मी छुट्टी में लेखक तो अपने घर के पास जो तालाब था उसी में मस्ती करते थे अपने दोस्तों के साथ लेखक कह रहे हैं कि गीले शरीर को गर्म रेत में खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते तो जो एक टीला बना हुआ था वह क्या करते पहले तो तालाब में गीले हो जाते फिर रेत में लोट पोट हो जाते यानी पूरे रेत को अपने ऊपर लगा लेते ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते रेत को गंदले पानी में साफ कर फिर टीले के ऊपर भाग जाते तो ऐसा ही वह कई बार करते थे कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों अब तैरने तो आता नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा दिखाते कि भैया तो मैं तो बहुत अच्छा तैर सकता हूँ परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था कुछ तो हाथ पाँव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंसे के सिंग या दूम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते उन्हें ढांडस बधाते कूदते समय मुंह में गंदला पानी भी भर जाता तो बुरी तरह खांसते कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच ही जाते तो बच्चों वो लोग बहुत ही मस्तियाँ किया करते और कहते हैं कि कुछ दोस्त को तो तैरने नहीं आता था लेकिन वह बीच पानी में कूद जाते थे यानी गहरे पानी में कूद जाते थे अब गहरे पानी में कूदने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था तो वह उन्हें क्या सलाह देते थे कि जो भी जानवर उसमें नहा रहा होता था जैसे कि भैंस उसकी सींग या दूम पकड़ के महारा आ जाओ। तो बच्चों गर्मी छुट्टियों में तो हम सभी बहुत मस्ती करते हैं आप लोग भी खूब मस्ती किया करते होंगे आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या गर्मी छुट्टी में आप लोगों ने कुछ ऐसी मस्तियाँ की हैं जो आज भी आपको याद हो अगर याद है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर छुट्टियाँ बीतने लगती तो दिन गिनने लगते अब जैसे जैसे बच्चों छुट्टियाँ बीतती हैं तो हम भी दिन गिनने लगते हैं कि अब स्कूल खुलने वाला है स्कूल जाना होगा प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता किस बात का डर बच्चों तो गर्मी छुट्टियों में जो कार्य दिया जाता है उसे न कर पाने का खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगते मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते कि अब छुट्टियां कम हो रही हैं हमें क्या करना है फटाफट छुट्टियों के सारे काम करने हैं जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते हिसाब के मास्टर जी कहने का अर्थ है बच्चों जो हमारे मैथ्स के टीचर होते हैं उनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि वो कभी भी 200 से कम सवाल तो देते ही नहीं थे गर्मी छुट्टी में अब उतने सवाल को करने में वक्त भी लगेगा मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महीना बाकी हुआ करता अब देखिए बच्चों जैसे जैसे स्कूल खुलने के समय नज़दीक आते हैं तो लेखक क्या सोच रहे हैं छुट्टियों के कार्य को करने के लिए कि अब हमें फटाफट क्या करना होगा छुट्टियों का कार्य करना होगा और उन्हें कार्य कैसे करना है तो वो पहले दिन गिन लेते थे कि इतना दिन बचा हुआ छुट्टी का हमें प्रत्येक दिन इतने काम करने होंगे एक एक दिन गिनते दस दिन खेल कूद में और बीत जाते अब ऐसे दिन गिनते गिनते खेल कूद में और भी दिन बीत जाते स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि दस की क्या बात सवाल तो पंद्रह भी आसानी से रोज निकल जाएंगे अब जैसे जैसे बच्चों स्कूल खुलने का वक्त आता है वैसे वैसे हम क्या सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो स्कूल का होमवर्क यानी समर वैकेशन का जो होमवर्क है उसे कर लिया जाए नहीं तो कुछ टीचर बहुत पीटते हैं जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती दिन बहुत छोटे होने लगते ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता हो जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता तो बच्चों यहाँ लेखक ने बताया है कि जैसे जैसे छुट्टियाँ बीतती वैसे वैसे उनके डर जो हैं वह बढ़ते जाते डर किस बात का था ये तो हम सभी जानते हैं और हम सभी को ऐसा डर लगता है जब गर्मी की छुट्टियाँ बीतती हैं तो बच्चों आगे लेखक अपने दोस्त ओमा के बारे में बताते हैं कि ओमा जो है वह किसी से नहीं डरता था आगे कहते हैं हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते उसकी बातें गालियाँ मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी कैसा शक्ल था हांडी जितना बड़ा उसका सिर था उसके ठीक ने चार वालिस्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था किससे मारता था सिर से सांड की भांति वह फुफकारता सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीरा से चिल्लाने लगते हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था क्यों रखा था बच्चों तो क्योंकि उसके सिर से जो टक्कर लगती थी वह रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर होता था हमारा स्कूल बहुत छोटा था केवल छोटे छोटे नौ कमरे थे और अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे दाई और पहला कमरा हेडमास्टर जी मदन मोहन शर्मा जी का था जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चीक लगी रहती थी चीख किसे कहते हैं तो बच्चों चीख जो होता है वह पतली सी चटाई होती है जिसे पहले के लोग पर्दे की तरह इस्तेमाल किया करते थे स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते तो बच्चों लेखक अपने स्कूल में प्रेयर के समय की बात बता रहे हैं कि जब उनके स्कूल में प्रेयर होता था तो सभी बच्चे लाइन से खड़े कर दिए जाते थे और कतार बिल्कुल सीधी होती थी और सभी जो अध्यापक थे वह सभी बच्चों के पीछे कतार में ही खड़े रहते ताकि बच्चे शरारत ना करें उन्हें याद आता है उनका पीटी मास्टर प्रीतम चंद जी जो बहुत ही कड़क मिजाज के थे बच्चों ने गलती किया नहीं कि वो उसे पीटना शुरू कर देते थे तो प्रीतम चंद कैसे टीचर थे बहुत ही कड़क मिजाज के थे सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर से उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजनाने लगता तो वह उसकी ओर बाँ की तरफ झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते तो बच्चों ये मुहावरा तो सभी स्कूलों में प्रचलित है टीचर कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो खाल खींच लेंगे तो लेखक कहते हैं कि, कि किस मुहावरे को प्रत्यक्ष कर देते थे खाल खींचने को यानी बहुत पीटते थे जो भी बच्चा शरारत करता था वह उसे बहुत पिटाई लगाते थे तो बच्चे उनसे बहुत डरते थे परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे उलट स्वभाव यानी मृदुल स्वभाव के थे कौन हेडमास्टर शर्मा जी किसके विपरीत थे तो पीटी टीचर प्रीतम चंद से वह पाँचवीं और आठवीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते कौन पढ़ाते थे हेडमास्टर शर्मा जी हमारे में से किसी को भी याद ना था कि पांचवी श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेरते देखा या सुना हो वो तो लेखक अपने हेडमास्टर साहब को याद करते हैं कि वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे कभी भी किसी बच्चे को मारते पीटते नहीं थे बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे उमड़ी उधेरना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते तो बच्चों को टीचर बहुत ही अच्छे थे वह नहीं चाहते थे कि बच्चों को पीटा जाए तो जब भी वह कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते उनकी शरारतों से तो एक थप्पड़ लगा देते थे लेकिन वह थप्पड़ भी इतना जोड़ का ना होता कि उन्हें चोट लगे तो इसी पर बच्चे जो हैं वह क्या करते थे मुस्कुरा दिया करते थे वह चपट तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मज़ेदार लगती जो तब पैसे की शायद दो आया करती थी तो मास्टर साहब के चपक के बारे में कह रहे हैं लेखा कि वो बहुत ही प्यारी होती और उनको याद आ जाती है भाई भीखे की जिसके यहाँ से वो नमकीन खरीद करके खाया करते थे क्योंकि उसकी नमकीन उन्हें बहुत पसंद थी परंतु जब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागते जाएं पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल पांच सात लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते अब देखिए बच्चों प्रिंसिपल साहब इतने अच्छे थे वो बहुत ही प्यार करते थे लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि फिर भी हमें स्कूल से इतना लगाव नहीं था हम स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे जब भी माँ या पिताजी उन्हें स्कूल जाने की बात कहते तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देते थे उन्हें स्कूल जाना पसंद ही नहीं था परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ कर वन टू थ्री कहते झंडियाँ ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करवाते तो हवा में लहराती और फरफड़ाती डंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में दो रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते तो बच्चों स्कूल में उन्हें क्या अच्छा लगता पीटी करना और झंडियाँ लेकर के वो वन टू थ्री करते थे तो उसमें उनको बहुत मज़ा आता था हम लोगों को भी आता है आपको भी आया होगा आप हमें अपने पीटी टीचर के बारे में कुछ बताएं कि उनका स्वभाव कैसा है क्या वो प्रीतम चंद की जैसे हैं या हेड मास्टर साहब के जैसे हैं आगे कहते हैं हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आँखें हल्के से झपकाते कहते सा वेल बिगिन अगेन वन टू थ्री थ्री टू वन उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों कभी यही साबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुडों यानी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती यानी साल भर में जो उन्हें सावासी मिलती उन सावासी से अच्छा किसका सावासी लगता पीटी मास्टर प्रेमचंद जी का जो उन्हें पीटी कराते समय मिलता था कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त गुडविल बहुत बड़ी थी भाई पीटी टीचर थे ही इतने डिसिप्लिनड कि उन्हें अनडिसिप्लिन बच्चे बहुत बुरे लगते थे और वह उन्हें पीटते भी बहुत थे तो इसलिए लेखक कहते हैं कि उनके द्वारा दी गई शाभासी हमें बहुत ही अच्छा लगता तो आगे लेखक कहते हैं परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सती गुड़ के भय से ही प्रेम जागता है ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जाग जाती अब भाई हम सब तो पीटी टीचर से बहुत डरते थे है ना वो हमें बहुत बुरे लगते थे लेकिन जब हमें वो सावासी देते तो अच्छे भी लगते थे है ना? उनके लिए हमारे दिल में प्रेम जाग जाता था तो यहाँ उन्हें याद आता है किसका गुरुद्वारे के भाई जो कथा सुनाते रहते हैं उनकी बात कि भैंसे भी क्या जगता है प्रेम और वो प्रेम लेखक को उनके पीटी टीचर के प्रति जग रहा है और यह उनको ऐसा भी लग रहा था जैसे रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो चमत्कार सा लगने लगता है हमारी दशा भी कुछ ऐसा हुआ करती थी तो बच्चों आज की कहानी में हम बस इतना ही पढ़ेंगे कहानी काफ़ी लंबी है तो हम इसे कई पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए और जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे उसके उत्तर भी आप अच्छे से कर लें तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बच्चों अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अगले पार्ट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद